नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना वायरस की दूसरी वेव बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। लगातार इससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अब थर्ड वेव का भी जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो थर्ड वेव है उसके आने के चांसेस है, अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और उससे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि किस तरीके से जो थर्ड वेव आने वाली है वो बच्चों को इफेक्ट कर सकती है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मेघना फड़के सुल्तानिया। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस महामारी के दौर में बच्चों को सुरक्षित और सेफ रखा जा सकता है। नमस्कार जी, बताएंगे किस तरीके से महामारी के दौर में बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बात ही जो रिपीटेडली हम सारे ही डॉक्टर्स कहते जा रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये चीज़ तो है ही। और जो थर्ड वेव का अंदेशा दिया जा रहा है, ये मैं कहूँगी कि अभी अंदाज है ना। एपिडेमियोलॉजिस्ट इस तरह के अंदाज देते हैं, अगर हम खबरदारी नहीं लेंगे तो हम शायद इसका सामना करें। पैंडेमिक में इस तरह की वेव्स आती हैं और जैसे ही वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक कुशल तरीके से पहुंच पाता है तो वो म्यूटेशंस में उलझ जाता है, और जब म्यूटेशंस होते हैं तब आपकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती है। और यही कारण है कि हम जब बच्चों के बारे में कहते हैं, वो काफ़ी आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 2 साल के नीचे तो मास्क है नहीं, बच्चों के लिए वैक्सीन है नहीं, आसानी से जैसे दादी दादा सबके पास वो जाएंगे, खांसेंगे, तो उनको हर चीज़ आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये जो एक बचपन की आदतें हैं, जो कि एक नॉर्मल आदतें हैं, उनकी वजह से स्प्रेड काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो इसलिए उनको कंटेन करना, हाई रिस्क लोगों को आइसोलेट करना, जहाँ पे थोड़ा समझदारी अगर है बच्चों में उम्र के हिसाब से, उनको मास्क लगाने के लिए प्रवृत्त करना। हैंड सैनिटेशन तो मेरे ख्याल से बच्चे अब एक्सपर्ट हो ही गए हैं, बस उनको थोड़ा सा बूस्ट लगता है, दैट्स इट। मैम, तो घर पर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बच्चे? घर पर सुरक्षा मतलब एक ही चीज़ है कि मिलना जुलना और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हमें WHO की संस्था से भी ये पता चलता है कि भी हवा में वायरस है। जब एयरबॉर्न वायरसेस होते हैं तब वो लंबे समय से एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो ड्रॉपलेट्स बहुत दूर अंतराल तक आपका जा सकता है। तो इसलिए घर पे जब आप हैं तब आप ऑफकोर्स सेफ ही हैं। वेंटिलेशन अच्छा सा रखिए, एक्सरसाइज करवाइए, बच्चों का रूटीन बनाइए, अच्छा खाना अच्छा भोजन दे दे घर का, एंड दैट इज ऑल व्हाट वी नीड टू डू। इससे ज़्यादा फिलहाल अपने हाथ में है नहीं। बिना किसी सिम्टम के बच्चे को ये अपनी चपेट में ले सकता है? बिल्कुल, बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ज़्यादातर हैं, जो अभी सेकेंड लहर में हम लोग 2 मंथ्स का बच्चा भी मतलब देख रहे हैं जो संक्रमित हुआ है। एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, यानी कि कुछ भी सिम्टम नहीं, ना बुखार ना कुछ और नथिंग, बच्चा हंसता खेलता है, एंड स्टिल दूसरे फैमिली मेम्बर्स को आपको फीवर मिल सकता है। सिंपल सिम्टम्स जैसे फीवर है, हल्का सा हल्की फुल्की खांसी हो गई, या सिंपल डायरिया, पेट में दर्द है, ये भी मिल सकता है। और कुछ प्रकार के रैशेस कई बार बच्चों में मिलते हैं, और ऐसा कुछ अगर बुखार के साथ आपको मिलता है कि भाई गले में कोई सूजन है, रैशेस हैं और बार बार फीवर आ रहा है, तो आप तुरंत परामर्श लें। जी मैम, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो Yes. बच्चों को किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं? क्योंकि हाँ, सी ऑक्सीजन लेवल मेजर करना, जो आपका एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उसको हम मिडिल फिंगर पे लगा के लेते हैं। बच्चों के फिंगर साइजेस आर सो डिफरेंट कि आपके पास एक पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन जो हर उम्र के बच्चे के लिए कंपैटिबल हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। और कई जगह ये मशीन्स जो होती हैं वो वैसे पोर्टेबल नहीं होती है, हमारे NICU या PICUs में ऐसी मशीन्स होती हैं। तो नॉर्मल एडल्ट मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड से 7-8 साल का बच्चा है, उसके ऊपर का बच्चा है, उसको फेयरली डिटेक्ट करेंगे। पर अगर आपको प्लस माइनस चीज़ दिखती हैं, जैसे कि बहुत सैचुरेशन कम दिखता है, तो कन्फ्यूजन और घबराहट पैदा करने वाली सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाके बेबी कंपैटिबल जो ऑक्सीमीटर होता है उससे पहले उसको चेक कराएं, जी और घबराइए नहीं। जी जिन बच्चों में ऑलरेडी कुछ डिजीज हैं, जैसे कि शुगर हो गया और भी काफी सारे इश्यूज यस हैं, तो यस उनका किस तरीके से ध्यान रखा जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, डायबिटीज़ हैं और एस्थमा के बेबीज़ हैं। इनका अपने जो किडनी या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के जो तज्ञ होते हैं उनके साथ में रेगुलर फॉलोअप होता है। तो पहले तो आपके डॉक्टर के साथ आप रेगुलर टच में रहें, ठीक है? उन्होंने आई एम श्योर कि आपको गाइडेंस देंगे वो, कि इनको ज़्यादातर इंडोर्स ही रखना है। और घर में किसी को भी सिम्टम है
तो ये जो बच्चे हैं जिनको कुछ तरह की स्पेसिफिक दवाइयाँ चलती है, इवन कैंसर ग्रस्त बच्चे हैं, उनको आप सबसे पहले आइसोलेट करें. ट्रीट देम जस्ट लाइक एन एल्डरली पर्सन, जिसको हम सबसे पहले आइसोलेट करते हैं. सो उनसे उसका पहले से ही बचाव हो. मैम, अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है, उसको अगर कोरोना है, तो क्या वो बच्चे को भी हो सकता है? हाँ, अभी ऐसा है कि प्रेगनेंसी में कोविड, ये हमें बहुत केसेस मिल रहे हैं. अब वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम बोलते हैं, उसके कोई 100% कोई रिपोर्ट्स हैं नहीं. इंटरनेशनली कुछ एक दो केसेस रिपोर्ट्स हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल डेटा जो है उसके आधार पर यही कह सकती हूँ कि सीधा सीधा संक्रमण पेट से नहीं होता. हाँ, पर आगे इसमें अगर कोई डेटा आता है तो हम अच्छी तरीके से बता पाएंगे. पर फिलहाल मैंने भी जितने केसेस देखे हैं, उसमें डायरेक्ट पेट से संक्रमण नहीं होता है. संक्रमण जब भी होता है कि आपकी डिलीवरी होने के बाद आप जब बच्चे की केयर करते हो, उस दौरान हो सकता है. और उस टाइम पे जच्चा अगर एक्टिव कोविड में है तो ही हो सकता है. अगर जच्चा को 3-4 महीने पहले हो गया है कोविड और अब उसकी डिलीवरी हो गई है और अभी इसका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, तो देन देयर इज नो चांस. ब्रेस्ट फीडिंग वो करा सकती है? ब्रेस्ट फीडिंग आपको हर कदम करना ही है. WHO की गाइडलाइंस हैं कि कोविड एक्टिव भी हो मदर, अगर मदर की तबीयत ठीक है और वो कर सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनमें भी हमें एनकरेज करना है. बस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मास्क लगाना है बच्चे की केयर करते समय, और ज़्यादा बच्चे के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रखना है. यू कैन प्रॉब्ली लुक अवे व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग. एंड तीसरी चीज़, आप एक्सट्रैक्टेड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो. अगर आप बिल्कुल भी बच्चे के टच में नहीं आना चाहते हैं, आप अपना दूध ब्रेस्ट पंप के सहारे निकाल के फिर दी अदर पर्सन हु इज टेकिंग बेबीज केयर, वो उनको फीड कर सकते हैं. दैट कैन बी डन. मैम, अभी बच्चे के लिए वैक्सीन नहीं है, तो किस तरीके से ये खतरा है, अगर हो सकता है तो कहाँ तक पहुँच सकता है, किस तरीके से इसको इससे बचाव किया जा सकता है? बचाव के तरीके जो हमने सोचे वही हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, जब तक वैक्सीन नहीं आती, कोई भी पैंडेमिक में हर्ड इम्यूनिटी आना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इन्फेक्शन और वैक्सीन, इनका ये रेस है. तो इसमें हमने इनको मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना सब चीज़ों से, एक्सपोजर की जितनी कमी है, जैसे शादियाँ, बर्थडे पार्टीज, बच्चे बोर हो रहे हैं, इसलिए कई बार हमें वर लगता है कि चलो जिंदर तक भेज देते हैं. ये सब कमज़ोर कड़ियाँ हैं, उनको आप मत उसके मतलब उसको मत मानिएगा. बिल्कुल इससे बेहतर है मैं कहूँगी कि बच्चों का एक रूटीन बनाओ. कि जब क्या होता है, आप उनको जकड़ बंद कर देते हो तो दे गेट बोर्ड, फिर स्क्रीन चालू हो जाता है, टीवी है, लेजी हो जाते हैं. इससे बढ़िया आप उनका एक सेट रूटीन बनाओ एज के अनुसार. उनको कोई एक्सरसाइज की आदत डालो, उनको आप घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें शरीक कर लो, बुक रीडिंग की आदत लगाओ. ये टाइम आप एक पेरेंट और चिल्ड्रन के बॉन्डिंग के लिए अलग तरीके से यूज़ करो, इसमें दोनों का ही फायदा है. तो मैम, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को इस तरीके से इस महामारी के दौरान सेफ रहना सुरक्षित? बस मैं यही कहूँगी कि जब तक हमारी वैक्सीन का परसेंटेज और कवरेज बढ़ता नहीं है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटेशन, ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल करें. बोर मत हो जाइए घर पे रहने के लिए, प्लीज़ घर पे रहिए जितना पॉसिबल हो सके. एक वजह कहीं ना कहीं पैनिक भी है, लोगों में थोड़ा डर है. yes. तो उससे हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं अपने आप को? पैनिक के बारे में कहूँगी कि हमारे पास एक एडोलेसेंट जो एज ग्रुप होता है, 12 से 14 साल की लड़कियाँ खासकर, वो बहुत कुछ वीडियोज़ देखती हैं पैंडेमिक से रिलेटेड, और उसके बाद घबरा के बिल्कुल हार्ट बीट तेज़ होके हमारे पास आती हैं. तो ये एंग्जाइटी एपिसोड्स हैं, ऐसे बड़े उम्र के लोगों में भी हो सकता है. तो आप, मैं ये कहूँगी कि इन्फॉर्मेशन लेना सोशल मीडिया से एक ज़रूरी बात है, या इवन न्यूज़ चैनल से. आप अपना टाइम सेट करो कि इतनी ही न्यूज़ देखनी है, ताकि आप में घबराहट ना हो और ताकि हम एटलीस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख सकें, है ना. इससे आगे आपको कोई भी प्रकार के विचार आपके मन में हैं, आप प्लीज़ डॉक्टरों से परामर्श ले लीजिएगा. मेनी हॉस्पिटल्स आर डूइंग ओपीडीज एंड वीडियो ओपीडीज, सिंपली उनसे बात करके कई बार आपको अच्छा लग जाएगा और सही डायरेक्शन मिलेगा. तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मेघना फड़के सुल्तानिया को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस महामारी के दौर में अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं. अंदेशा है कि थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन इससे पहले आप पहले ही अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं. जिस तरीके की अभी डॉक्टर ने भी बताया कि किस तरीके की सावधानियां बरतकर हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं. आज के एपिसोड में इतना ही. ऐसे और भी विशेष मुद्दों पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे और आप तक हर वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे जो इस महामारी के दौर में आप सभी को जानने की जरूरत है.